आज स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, देखो सबकी शक्ल। ये दुनिया हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। तो गाइस, आज है 21st of April और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको क्यों ना एक ब्लॉग में तब्दील कर दी जाए। अभी 11:15 बज चुके हैं और मेरा जो एक क्लास था 11 से 12 वो ख़त्म हो गई, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी जाके सर के केबिन में जाके अटेंडेंस देना है, उसके बाद जो है 12 से 2 के बीच में एक इंटरव्यू है मेरे क्लब का, तो वहाँ पर मैं रहूँगा। फिर 2 से 3 एक क्लास है, लेकिन क्लास के बीच में ही एक और भी शूट है जो कि मास्टर शेफ की वीडियो बन रही है, तो उसके लिए एक शूट है बच्चों का, तो वहाँ भी करना है। फिर 4 से जो है ईसेल वालों का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में भी जाना है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सर के पास चल के अटेंडेंस लगवा लेते हैं। तो हमारी अटेंडेंस लग चुकी है। एक्चुअली ये जो सर है ना, काफ़ी इनोसेंट है, लेकिन बच्चा लोग जो है इनको बहुत परेशान करते हैं। मुझे काफ़ी दुख भी होता है कभी कभी, क्योंकि यार अगर कोई टीचर इनोसेंट है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत इनोसेंट है, बट इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते कि यार फाइनल ईयर है, अब कुछ दिनों में चला ही जाएगा, तो क्या ही बच्चों को परेशान करे। तो बाद बाकी अभी जितने भी टीचर हम लोगों को पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छे हैं, सभी का नेचर और मतलब क्या ही बोले यार, सब एकदम मस्त है। बच्चे लोग गर्मी में छाता लेके चल रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? गर्मी बहुत है, कॉलेज वालों से कहो कि यहाँ पे सेवेट से लगाए हैं, यहाँ पे पूरे कॉलेज कॉम्प्लेक्स तक कवर होना चाहिए। AB2 से हमारी क्लास स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, देखो सबकी शक्ल। ये दुनिया ये #BTech वाले हमारी दुख हमारी कुछ मत पूछो। अपने बीटेक वाले पेज फॉलो करवा क्या? हाँ, और हमारा एक चैनल है बीटेक वाले, उनको प्लीज फॉलो करें। ठीक है, बच्चे लोग गर्मी से काफी परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ गर्मी से। तो उन्होंने अपने मन की बात कही। ठीक है, ये है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जहाँ पे आज का इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं अभी आ गया हूँ क्लब एक्टिविटी सेंटर में। यहाँ पे एक देख रहे हो, बाहर भी बैठने के लिए 10-15 चेयर लगी हुई है और अंदर में भी ऑलमोस्ट 10 चेयर लगी हुई है। तो यहाँ पे ही हम लोग इंटरव्यू का प्रोसेस जो आगे रखेंगे। और बाद में कि यार मैं एक्चुअली और बताना शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ कि बीइंग ए न्यू क्लब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ चारों तरफ से, बट फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ इस क्लब को लेके, क्योंकि ये मेरे लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो। और एक यूनिवर्सिटी में मतलब मुझे नहीं पता, और सब जगह ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे भी जैसे कि कुछ भी आप करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करने की चाहत रखते हो, तो आपके पैर खींचने के लिए बहुत कुछ होते हैं। मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा हूँ। और एज ए सेंट्रल क्लब है ये, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का क्लब है, और स्टार्ट करना और फिर उसको एक गति देना बहुत ही टफ काम है, और मैं इसमें अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारा इंटरव्यू का सेशन ओवर हो चुका है और अभी 2:15 बज चुके हैं, 2:15 हो चुके हैं, और मैं जा रहा हूँ वो मास्टर शेफ वाली वीडियो बनाने के लिए। तो अभी AB5 में ही बना लेंगे, AB6 या AB4 किसी में भी, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अभी कॉलेज का काम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी लग रही है और धूप भी काफ़ी है और कोई काम भी नहीं अभी, तो पहले हॉस्टल चलते हैं, उसके बाद अगर कोई काम होगा तो फिर से कॉलेज वापस आना पड़ेगा। ठीक है, 2000 years later। तो गाइस, मैं फिर से कॉलेज आ गया हूँ, क्योंकि मैं बैग लैपटॉप वगैरह मेरा यहीं पे रह गया था और कैमरा वगैरह मैं छोड़ के गया था, ताकि यहाँ से लोग जो है इवेंट अटेंड कर सके। तो अभी मैं बैग ले लूँगा और अपने दोस्तों से भी मिल लूँगा, देखता हूँ। All the girls of the class are making rangoli, और इधर मैं भी अपने रंगोली बना रहा हूँ। डेली क्लास 10th में भी ऐसा ही था, मैं बहुत टाइमिट था, I was an average student। मैंने बड़े नीति हाँ असी डेंस किया जितना जिदे खून से माया आए कितने कितने किल्लाही मेरे बड़े गानी आया तेरी लाती मैं लेते जाऊं सारे मस्त हैं मैं किसी के
बना दिया है लिफ्ट को। कौन से फ्लोर पे? थर्ड पे। ये इसके थ्रू आ रहा होगा क्योंकि हवा आता है ना, ये वेंटिलेटर है ऊपर। हो गई शाम, हो गई रात। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 7:30 और अभी इवेंट चल ही रहा है, तो मैं आ गया क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं आ गया बस। काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था बच्चों को वहाँ पे, जितने भी स्पीकर्स आए हुए थे, 4-5 थे शायद। तो अभी आशीष लोग भी थोड़ी देर में आ रहा है, बाद बाकी फिर मैं हॉस्टल के लिए निकलूँगा। तो गाइस फाइनली मैं आ गया अपने हॉस्टल में और रात के अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 8 समझ रहे। उसके बाद अभी जो है खाना खाना है, उसके बाद एडिटिंग करनी है, इस वाली वीडियो की एडिटिंग करनी है, फिर वो जो शूट करके लाया बच्चा लोग उसकी एडिटिंग करनी है। ज़िंदगी बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा, और महीने डेढ़ महीने की ज़िंदगी बची है यूनिवर्सिटी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो और 2-3 ब्लॉग बना लिया जाए, और क्या ही बताऊँ। बाद बाकी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, हेक्टिक इन द सेंस कि भागा दौड़ी काफ़ी ज़िंदगी में लगा हुआ है जब से मैंने ये लगा हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, भले ही मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसा ही माइंडसेट लेके चलते हैं और आप लोगों के लिए भागा दौड़ी करते हैं, ताकि आप जब आप लोग आओ या फिर आप जब आगे बढ़ो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारा क्लब जो है वो सहूलियत प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो जो है आई थिंक एडमिशन के ऊपर मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं एडमिशन को लेके, तो वो सारे क्वेरीज मैं उस वीडियो में सॉर्ट आउट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके बाय।